इंग्लिश बोल रहे हैं मुझे तो समझ में नहीं आ रही। इसकी न्यू इस गिनी ने पहनी है ये न्यू वाली फ्रो फ्रिज में जमाई थी गिनने के लिए, इतने इस तरह की जमी है। ये देखो ये छोटे वाले कप में कितनी अच्छी लग रही है ना, और टेस्ट में भी बहुत अच्छी है ये। पर गिन्नी एग्री नहीं हो रही इसको खाने के लिए, क्योंकि ये पॉलिथीन में ही आई ना, तो लोग पता नहीं किस तरह की आइसक्रीम ये भी यम्मी वाली है। नहीं खाना, ये तो सुबह उठते आइसक्रीम दे दी तुझे देना गाइस। गिन्नी माँ नहीं रो रही आइसक्रीम के लिए, कह रही ये वाली नहीं खाऊंगा मैं। अच्छा और दिलवा कर, अभी शॉप खुली नहीं होगी बेटा। अब गिन्नी ज्यादा इतना रोती जैसे कि मैंने दिखाया गाइस, गिन्नी देखो इतना सारा रोती, बहुत देखो कितना रो रही थी। और मैं ना ये वाली जो घर वाले आइसक्रीम थी, मैंने बोला गिन्नी खा ले नहीं बिल्कुल भी, कल मेरे को बाहर वाली खानी बच्चों। मैंने इतनी मेहनत करी, कल लास्ट लोग में आपने देखा होगा मेहनत करके मैं जमाई घी को, पहले आधे किलो दूध को बिल्कुल थोड़ा सा कर दिया, इसके बाद में ब्रेड मिलाए और जमाई, और इतनी सॉफ्ट बनी है देखो बहुत सॉफ्ट। और फिर कैरेट नहीं खाऊंगा, बहुत अच्छी बनी बाहर वाले से तो बहुत लागूना, टेस्ट भी ज़्यादा अच्छी है। मुझे ऐसा लगता है कि निकले मेरे को दूसरा तरीका बनाना पड़ेगा आइसक्रीम जमा के, जो बाहर वाली थी उसी शेप में और पॉलिथिन के अंदर डाल के फिर इसको देनी पड़ेगी, फिर खाई जाएगी, ऐसे करना पड़ेगा। इतनी अच्छी बनी है और सॉफ्ट भी बनी है। मैंने बिल्कुल खोआ सा निकाल दिया दूध का, उसके अंदर बाद ब्रेड डाल दिए और ब्रेड को बिल्कुल मैश करके, और जो जिससे हम दही फेंटते थे उससे फेंट दिया था बिल्कुल अच्छे से, और इतनी अच्छी बनी है बिल्कुल सॉफ्ट भी और टेस्ट भी बहुत। आप भी ट्राई कर सकते, मैंने लास्ट वीडियो में पूरी रेसिपी दी हुई इसकी। और गाइस मैं इसी तरह मैं किचन में आ गई, मम्मी पापा के लिए बना लूँ आज ओट्स। यहाँ पे मम्मी पापा ओट्स बन रहे, तब तक मैं अपने लिए घिया का जूस निकाल लेती हूँ, और संदीप के लिए बनाऊंगी ब्रेड, कल ब्रेड लेके आई थी, फिर ब्रेड और बेसन का सिंपल सा ब्रेड पकौड़ा, मतलब ब्रेड पकौड़ा के ब्रेड को ऐसे डिप कर दूंगी बेसन में और सिंपल से तवे पे सेक दूंगी, और अपने लिए जूस निकाल लेते भी। कपड़े में मैंने कपड़े से नहीं छोड़ा, क्योंकि छलनी से अच्छे से जूस निकलता नहीं है, अपने आप ही जूस निकलने लग गया। वैसे इसमें मैंने थोड़ा पानी भी ऐड किया था, क्योंकि मिक्स में पीस नहीं रही थी घिया, इस वजह से अब अच्छे से निचोड़ दूंगा पकड़ के। नमक ऐड कर दिया, अब इसके अंदर ऐड कर दूंगी जूस। ओह गिर गया वीडियो के चक्कर में यार, और ये मेरा घिया का जूस तैयार हो गया। बहुत यम्मी बना है, मैं सारे मसाले ऐड कर लिए हैं, और अब किन्नी के सिम और फिर संदीप के सिंपल से ब्रेड पकौड़े बना लें, बिल्कुल सिंपल वाले। ओट्स देने जा रही हूँ मैं संदीप के लिए, यहाँ चाय बना रही हूँ नाश्ते के लिए, और ये बेसन इसमें से डिप करके ऐसे। और ये मेरे सिंपल से ब्रेड पकोड़े बन के तैयार हो गए, इनको ब्रेड पकोड़े बोल सकते हैं या फिर ब्रेड कैसे सिंपल नाश्ता ही बोल सकते हैं। और लंच के लिए मैंने आटा लगा दिया, आटा निकाल के मैंने इसमें डाल दिया है और रख दिया है, और आज बनाएंगे मैंने आलू की सब्जी। अभी हरा धनिया डालना बाकी है गाइस, दोपहर के बज थर्टी फोर मिनट में सारे कपड़े धुल जाए, कुछ कपड़े मैं गाइस हाथ से धो रही हूँ, क्योंकि इनमें कलर ये कलरफुल है, नए कपड़े हैं ये मैंने, और कुछ कपड़े गाइस मैं हाथ से धो रही, नए हैं फर्स्ट टाइम धो रही हूँ, तो मैं इनको मशीन में नहीं धो रही हूँ, मेरे कैसे कलर निकल रहा है कपड़ों में से, इसलिए मैं इनको हाथ से धो लूँगी। उसके बाद फिर मैं सोचू गिन्नी को नहा दूँ, बट गिन्नी अभी दादी के पास बैठ के फ़ोन देख रही है, आइसक्रीम भी खा रही साथ में, अभी इसकी सेकंड आइसक्रीम है, दूसरी आइसक्रीम खा रही हूँ।
और मेरे लिए मंगवाई मैंने मम्मा अर्थ का शैम्पू, काफ़ी अच्छा बता रही इसका, मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, बट 0 से 5 ईयर तक के बच्चे यूज़ कर सकते हैं, 200 ml है। प्राइस क्या है कि नहीं देखने देना, इसका प्राइस है बच्चे से देखना 199, पर मुझे 180 का मिला ये। चलो नहीं आते, चलो ड्रेस पहनाने की कोशिश कर रही हूँ बट पहन नहीं रही, कह रही ये नहीं पहनी अच्छी नहीं है, न कैसे मुंह बना रही हूँ, ये वाली अच्छी नहीं है, ऐसी नहीं नहीं पहनी ये वाली, हाँ देख कैसे करके इंग्लिश बोल रही, मुझे तो समझ में नहीं आ रही, एस्की न्यूज पता नहीं क्या बोल रही है, एक्सक्यूज मी कह रही, एक्सक्यूज मी बहुत देर बाद समझ में आई है मुझे, अच्छा 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 जी न्यू वाली, फिर वो खुद ही निकाल के लेके आई है अलमारी से, देखो बहुत हैप्पी कह रही, फिश वाली पहनी, फिश बनी हुई ना इसके पास, इसकी अन्नु मासी लाई थी वाली ड्रेस इसकी, देखो शीशे में देख रहे अपने आप कैसी तरह आ रही है, देखो अब नाराज हो गया कि मेरे को ना बाल कंघी नहीं करवानी, सच में परेशान हूँ मैं इस लड़की से, हमेशा आधे घंटा नहाने में लगाते, आधा घंटा तैयार होने। गाइस आज है फ्राइडे, फ्राइडे को मुझे बहुत काम होते हैं, बहन ने बेडशीट चेंज कर ली अपनी, बेडशीट चेंज करना, कंबल वम्बल धोने, बेडशीट वॉश करने और कपड़े वपड़े और वॉशरूम वगैरह सब कुछ क्लीन करना, और रूम की डीप क्लीनिंग मतलब अच्छे डस्टिंग डेली करती हूँ, मतलब अच्छे से क्लीनिंग रूम की करना फ्राइडे को, मेरे को फ्राइडे को सच में बहुत काम होते हैं, और ऊपर से गिन्नी को संभालना वो तो अलग से ही है, रोना ही नहीं खत्म होता सारा दिन, रो री 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 सारा दिन, अब एक थप्पड़ मारे तब तब रो रही है, तंग बहुत करते हैं, बहुत परेशान करती है, और इसको चुप करवाने के लिए मैं हमेशा क्या करती हूँ अपना ना एक छोटा सा बैग है पर्स है गिन्नी का, वो टांग लेती है, कह रही हूँ मैं नाना के जा रही हूँ, और हाथ में ले लेती हूँ मोबाइल, कह रही मैं जा रही हूँ, मेरे को ना रोक के दिया दिन रोते हुए, और गिन्नी को चुप करवाने के लिए मुझे हमेशा ऐसे करना पड़ता है, अभी मेरे को इसको चुप करवाने में ऐसे होती जा रही हूँ, फिर मेरे को जाने मेरे को पकड़ लेते बुरी तरह से, मेरे पास आती है वरना आती नहीं मेरे पास, एक काम भी करना है, वो पर्स टांग रखा मैंने, अच्छा कहीं नहीं जा रही, गिन्नी को लेके जाऊंगी मैं साथ, कहीं भी जाऊंगी ठीक है, हाँ और गाइस किसे फ्रेंच फ्राई में इतना फ्राई पीछे बड़ी मम्मा फ्रेंच फ्राई बना दो फ्रेंच फ्राई बना दो, और मुझे पता है कि अभी फ्रेंच फ्राई खा लेगी तो खाना तो बिल्कुल ही नहीं खाएगी, फिर सब बोलते हैं यार कुछ भी नहीं खा रही है, इसलिए इसकी जो मांग रही है वही बना दे, फिर मैं बना देती हूँ और क्या करूँ, मैं सोचती हूँ रोटी सब्जी खाए वो सही है, पर ये खाती तो नहीं क्या करूँ, मैं फिर बच्चे को ही ज़्यादा कुछ खाने लगे जो पसंद का मांग रहा बना दो उसके लिए, रात के बजे 9:30 मैं गिन्नी आई बालकनी में थोड़ी देर खेलने के लिए, और गिन्नी और मेरी मेरी काव और गिन्नी की यूनिकॉर्न की होगी फाइटिंग, चलो गिर गया गिन्नी का यूनिकॉर्न, हार गया मेरी काव, जीत गई मेरी काव, जीत गई मैं जीत गया, ओए मेरी काव को भी गिरा दिया, मेरी काव ओए मेरी काव मेरी काव काव मेरी काव को, गिन्नी अपने यूनिकॉर्न को प्यार कर रही है, तो मेरी काव है, हाँ हाँ अच्छा आपका यूनिकॉर्न है, अरे आपका यूनिकॉर्न है, ये मेरी काव है, ये गिन्नी का यूनिकॉर्न है, ओए मेरा बच्चा गिरा दिया, गिन्नी ने मेरी काव को गिरा दिया, कह मेरे साथ ऐसे खेलो, मेरी काव मैंने उठा ली, मेरी काव मेरी काव मेरी काव मेरी काव, मैं तो मेरी काव से प्यार करूंगी बैठ के, मेरी काव मेरी काव मेरी काव, ओ मेरा बेबी, मम्मा को प्यार करता है ये बच्चा, मैं इसको गिरा रही है अपने आप गिरा रही है, फिर मम्मी उठा फिर प्यार कर फिर ऐसे करेगी, अच्छा मेरा मेरे को यूनिकॉर्न दे दो, मेरे काव है यूनिकॉर्न है मेरा, दे दो अच्छा काव दे दो, मेरी काव दो दो मेरी काव जो उसको सुनाई नहीं दिया डोगी को, नहीं अच्छा बोला आपने, डोगी आप कैसे हो, डोगी बेटा अपनी लैंग्वेज नहीं समझता, डोगी आप कैसे हो,
क्या कर रहे हो डॉगी? डॉगी तो चला गया। अब क्या कर रहे हो डॉगी? यहाँ पे घूमी घूमी करने आया था अभी बाहर। ठंड ठंडी हवा चल देगी नहीं ना बालकनी में? आप क्या कर रहे हो डॉगी? आप क्या कर रहे हो डॉगी? अच्छा आप क्या कर रहे हो? वो उसको सुना नहीं दे रहा डॉगी को। चला गया बेटा अपने घर चला गया वो। ठीक है कितनी ठंड ठंडी हवा चल रही है ना। हवा को कैसे फील करते हैं? नहीं फील कैसे करती है? कैसे फील करते बताओ? हवा को कैसे फील करते हैं? ऐसे फील करते हैं हवा को। अच्छा मैं अभी करो। हाँ ठीक है कर लिया फील। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा टू चिंग। बाय बाय।